वेलकम बैक। यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर फोर लिम का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ पर हाथ का जो ऊपर का हिस्सा जो होता है, वहाँ पर एक सिंगल बोन पाई जाती है, ह्यूमेरस है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है, हमारे फोर लिम और हाइंड लिम के अंदर, हाथ और पैर के अंदर अक्सरियत से सब लॉन्ग बोन होती है, और जितने भी हमारे बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन होती है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एनी लॉन्ग बोन फोर लिम और हाइंड लिम के अंदर जितने भी इलॉन्गेटेड बोन्स पाए जाते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको प्रॉक्सिमल पार्ट या प्रॉक्सिमल बोन कहा जाएगा, नीचे का जो हिस्सा होता है उसको डिस्टल बोन या डिस्टल पार्ट कहा जाएगा, और दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो मिडल पार्ट होता है उसको शैफ्ट कहेंगे। जैसे यहाँ पर यह हमारे हाथ के अंदर ये ह्यूमेरस है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, उसके बाद ये डिस्टल पार्ट है, और दोनों के दरमियान की जो बोन यहाँ पर मौजूद है, मिडल पार्ट यहाँ पर जो मौजूद होती है उसको जो है यहाँ पर शैफ्ट कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रॉक्सिमल बोन, यहाँ पर ह्यूमेरस के अंदर जो प्रॉक्सिमल बोन उसको हम देखते हैं। 3 नाम यहाँ पर आपको ज़रूरी याद रखना। पहला पार्ट जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, राउंडेड शेप में जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है इसको कहा जाता है हेड ऑफ ह्यूमेरस। यही जो हेड होता है ये ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर आर्टिकुलेट होता है, फिट होता है, और यहाँ पर ग्लेनॉइड कैविटी ये हेड को जो है यहाँ पर पकड़े हुए होता है। इस ढंग से यहाँ पर जो है इनका अटैचमेंट होता है कि हमारा हाथ जो रहेगा पूरा 360 डिग्री से पूरा रोटेट होगा, आगे भी आएगा पीछे भी जाएगा, और पूरा सर्कल जो है यहाँ पर होता है। ये हेड जो है यहाँ पर शोल्डर बोन जो ये मौजूद है यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल, उसके अंदर ये हेड ऑफ ह्यूमेरस यहाँ पर अटैचमेंट होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ द ह्यूमेरस, और टोटल फोर लिम के अंदर मूवमेंट इसी के जरिए से होता है। इसके दूसरे साइड में यहां पर देखा जाएगा, यहां पर हम देखते हैं या ये कहा जाएगा किनारे के हिस्से पर हम देखते हैं, तो यहां पर हेड के नीचे 2 उभरे हुए हिस्से यहां पर जो है मौजूद होते हैं। एक बड़ा उभरा हुआ हिस्सा रहेगा उसको कहा जाता है ग्रेटर ट्यूबेरोसिटी, और एक छोटा उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको लेसर ट्यूबेरोसिटी। ट्यूबेरोसिटी ये जो वर्ड है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसको उभार के लिए उभरा हुआ हिस्सा यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, हड्डियाँ दिखाई देती हैं, फील होती हैं, तो यहाँ पर जो बड़ा हिस्सा है उसको ग्रेटर ट्यूबेरोसिटी और जो छोटा हिस्सा उसको लेसर ट्यूबेरोसिटी कहा जाएगा। तो इस तरीके से हेड है, और उसके बाद यहाँ पर जो है ग्रेटर और लेसर ट्यूबेरोसिटी यहाँ पर जो मौजूद होते हैं। मिडल पार्ट यहाँ पर जो है शैफ्ट का पार्ट है, शैफ्ट के अंदर एक हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा, उसको डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी के नाम से यहां पर जो है पहचाना जाएगा। और उसके बाद डिस्टल पार्ट यहाँ पर जो मौजूद होता है, मिडल पार्ट यहाँ पर जो है पुली लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होता है जिसको ट्रॉकलिया कहा जाएगा, और दोनों तरफ ये जो उभरे हुए हिस्से हैं तो यहाँ पर हम फील करते हैं कोनी के साइड में ये हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, और दरमियान हिस्से में पुली लाइक स्ट्रक्चर है, एक फिरकी के जैसे चक्री के जैसा हिस्सा यहाँ पर जो है मौजूद होता है जिसको ट्रॉकलिया कहा जाएगा। आगे आप देख रहे हो ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है, इसी ट्रॉकलिया के ऊपर इसका जो मूवमेंट रहेगा, और ये कोहनी का जो है हाथ के अंदर यहां पर जो है मोमेंट पाया जाता है। तो ये जो है डिस्टल पार्ट के अंदर पुली लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ट्रॉकलिया यहां पर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं ह्यूमेरस के अंदर ये इतने पार्ट यहां पर जो है मौजूद होते हैं। हमारे हाथ का जो मिडल पार्ट यहां पर मौजूद होता है, 2 बोन्स आर प्रेजेंट, बोथ आर पैरेलल टू इच अदर, जिसको रेडियस और अल्ना कहा जाता है। ये नाम जो यहां पर आपको रिपीट करना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो ह्यूमेरस है, यहाँ पर प्रॉक्सिमल पार्ट, शैफ्ट और डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल के अंदर हेड, ग्रेटर ट्यूबेरोसिटी, लेसर ट्यूबेरोसिटी, मिडल पार्ट शैफ्ट है, डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी, डिस्टल पार्ट पुली लाइक स्ट्रक्चर जिसको जो है यहाँ पर ट्रॉकलिया कहा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हाथ का मिडल पार्ट रेडियस और अल्ना है। रेडियस जो है ये हमेशा थंब साइड में है, ये हमेशा थंब साइड में रेडियस रहेगा, और लिटिल फिंगर छोटी जो उंगली होती है इस साइड में हमेशा जो रहेगा वो जो है अल्ना यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो ये याद रखना है, रेडियस जो है यहाँ पर जो थंब साइड में यहाँ पर जो रेडियस है, और अल्ना जो रहेगा ये लिटिल फिंगर उंगली की तरफ जो यहाँ पर अल्ना पाई जाती है। रेडियस जो है यहाँ पर ये बोन यहाँ पर मौजूद है, और अल्ना की पहचान ये रहेगी कि अल्ना के ऊपर के हिस्से में हुक लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट। तो ये ऊपर का पार्ट है, और ये हुक लाइक स्ट्रक्चर इसी ट्रॉकलिया के ऊपर यहाँ पर मूवमेंट करता है। तो हमारे कोहनी से हमारे हाथ के अंदर इस तरीके से मूवमेंट पाए जाते हैं। ये जो हुक लाइक
स्ट्रक्चर है, इसका जो अपर पार्ट है उसको ओलेक रेनॉन प्रोसेस कहा जाएगा और निचला हिस्सा जो उसको कोरोनॉइड प्रोसेस कहा जाएगा। जब हम हाथ को फोल्ड करते हैं तो यही जो प्रोसेस है ये यहीं पर हड्डी जो निकली हुई दिखाई देती है, हाथ को सीधा करेंगे ये बिल्कुल अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पर ये जो रहेगा रेडियस और अल्ना का, ये ऊपर का हिस्सा प्रॉक्सिमल पार्ट है, मिडल पार्ट यहाँ पर जो शेफ्ट है, और नीचे का हिस्सा जो रहेगा वो जो है यहाँ पर जो है डिस्टल एंड यहाँ पर जो कहलाता है। तो यहाँ पर अल्ना के अंदर हुक लाइक प्रॉक्सिमल पार्ट इज प्रेजेंट, और हुक का ऊपर का हिस्सा ओलेक रेनॉन प्रोसेस और निचला हिस्सा जो है कोरोनॉइड प्रोसेस है, और यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर हेड ऑफ रेडियस कहा जाएगा, ये रेडियस का जो है यहाँ पर हेड का पार्ट यहाँ पर जो है मौजूद रहेगा। मिडल पार्ट यहाँ पर जो रहेगा वो शेफ्ट का रीजन है, निचला हिस्सा जो डिस्टल एंड यहाँ पर मौजूद होता है, ये जो नोकीले हिस्से यहाँ पर दिखाई देते हैं दीज आर कॉल्ड एज स्टेलॉइड प्रोसेस को कहा जाएगा। हमारे रिस्ट ज्वाइंट के अंदर ये जो दोनों हड्डियाँ यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं, इसी को ये जो दोनों बोन यहाँ पर उभरे हुए हिस्से दिखाई देते हैं, ये दोनों तरफ रेडियस और अल्ना के स्टेलॉइड प्रोसेस यहाँ पर मौजूद हैं, और इसी के अंदर ये कार्पल आठों हड्डियाँ यहाँ पर इसी के अंदर जो है यहाँ पर दोनों तरफ से उसको पैक करके रखते हैं, वो जो है यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेलॉइड प्रोसेस हैं। अब ये दो बोन हैं, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के दरमियान में इंटेरोसियस मेम्ब्रेन यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह दोनों बोन एक दूसरे को फिक्स होते हैं, नो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट। दोनों के दरमियान एक बारीक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, जिसको इंटेरोसियस मेम्ब्रेन कहा जाएगा, जिसकी वजह से हाथ के मिडल पार्ट जो है बोथ बोन्स दैट आर अटैच विथ ईच अदर एंड इसके अंदर नो मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट। फिर उसके बाद यहाँ पर रिस्ट ज्वाइंट के अंदर जो बोन है वो कार्पल्स कहलाते हैं, 8 इन नंबर, और दो रो में चार ऊपर की तरफ चार नीचे की तरफ, ये दोनों तरफ स्टेलॉइड प्रोसेस के अंदर ये चार बोन को अटैच किया जाएगा, उसके नीचे चार बोन है जिसके जरिए से हमारे रिस्ट ज्वाइंट के अंदर फ्री मूवमेंट यहाँ पर होता है, और ये इरेगुलर शेप में चार चार बोन आठ कार्पल्स इसको कहा जाए वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। कार्पल्स के बाद हमारा पाम रीजन है, पाम रीजन के अंदर जो बोन पाए जाते हैं उसको मेटा कार्पल्स कहेंगे। जब हम यहाँ पर उंगलियों के सीध में इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक एक जो है यहाँ पर बोन पाए जाते हैं, इलोंगेटेड बोन यहाँ पर है, अंगूठा अलग है, ये इसकी एक बोन अलग है, बाकी चार जो रहेंगे मेटा कार्पल्स ये पैरेलल टू ईच अदर यहाँ पर रहेगा। दे आर पाँच उंगलियाँ हैं, 5 इन नंबर, और उसके बाद हाथों की जो उंगलियां होती हैं उसको फेलेंजेस कहा जाएगा। हमारे थंब के अंदर अंगूठे के अंदर सिर्फ दो बोन पाई जाती हैं और बाकी हर उंगली के अंदर यहाँ पर तीन तीन बोन है, ये थंब है, अंगूठे के अंदर दो बोन है, बाकी हर उंगली के अंदर यहाँ पर तीन तीन बोन यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन इन फिंगर्स फेलेंजेस को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 14 इन नंबर यहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके से एक हाथ के अंदर टोटल 30 बोन है, अगर हम काउंट करें ये एक है, फिर उसके बाद 1 है 2 3 3 के बाद यहां पर जो 8 3 और 8 यहाँ पर जो हो जाते हैं 11 और 5 16 16 के बाद यहाँ पर जो है 14, ये टोटल 30 बोन यहाँ पर फोर लिम के अंदर एक हाथ के अंदर यहाँ पर जो है इस तरीके से 30 बोन्स यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल जिसके अंदर दो बोन है, स्कैपुला है और उसके बाद क्लेविकल है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा है ये हमारा फोर लिम है विच इज़ आर्टिकुलेटेड विद द पेक्टोरल गर्डल, उसके अंदर ये 30 बोन्स हमारे सामने हो जाते हैं। नाम ज़्यादा है बच्चों, टेंशन नहीं लेना, बार बार उसको नजर फेरो, सब चीजें याद हो जाएगी, आपके नीट के अंदर भी दैट बिकम हेल्पफुल। तो इसके लिए यहां पर जो ध्यान में रखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर हम देख रहे हैं, उसके बाद जो यहां पर पेल्विक गर्डल के ताल्लुक से फिर हाइंड लिम भी हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो, इसी के अंदर हम और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। We have already completed about the pelvic girdle and bones of four limb. Now we will start about the pelvic pectoral girdle हमने complete किया, four limb complete किया है। Now we will start about the pelvic girdle which is also called as hip girdle. Hip joint भी कहा जाएगा, जहाँ से पैर का articulation होता है, जिसको कूले की हड्डी कहा जाता है, तो उसी base पर इसको जो hip girdle भी कहा जाता है। इसके अंदर ये pelvic girdle के अंदर जो भी bones पाए जाते हैं these are also called as coxal bone, भी इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। अब यहाँ पर ये bone
टोटली कलेक्टिवली दैट इज कॉल्ड एज कॉक्सल बोन एंड दिस कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। तीन किस्म की बोन यहाँ पर, जैसे हमने देखा पेक्टोरल गर्डल के अंदर स्कैपुला और क्लेविकल यहाँ पर मौजूद हैं, तो पेल्विक गर्डल के अंदर तीन बोन है, पहला यहाँ पर इलियम है, दूसरा जो स्ट्रियम है और तीसरा जो है प्यूबिस है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे दोनों किनारों पर यहाँ पर जो होता है एक चपटी बोन यहाँ पर जो पाई जाती है, जो इस तरीके से हमारे एब्डोमेन के अंदर एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये यहाँ पर आगे शुरू होकर पीछे भी जाती है, चपटी बोन यहाँ पर जो मौजूद होती है, ये ऊपर की जो बोन है उसको जो है इलियम कहा जाएगा, फिर सबसे नीचे की जो बोन यहाँ पर होती है उसको स्ट्रियम कहा जाएगा। जब इंसान सिटिंग पोजिशन में होता है, बैठी हुई हालत में रहेगा, तो यहां पर हमारे जो मसल्स हैं, जिस चीज के ऊपर बैठे जो हमने अपने जगह पर फिक्स रखते हैं, तो वो जो है सिटिंग पोजीशन में हेल्प करने वाली जो बोन होती है वो स्ट्रियम है। अगर ये बोन ना रहे, नहीं रहती, तो इंसान अपनी जगह बैठ ही नहीं सकता, कहीं भी लुढ़क जाते, इधर उधर कुछ भी हो जाता। तो हम जहाँ पर बैठे हैं अपनी जगह पर फिक्स रहें, तो हमें जिस चीज़ के ऊपर हम बैठे हैं, चेयर के ऊपर बैठे हैं, अपने आप को फिक्स करने के लिए ये दो बोन यहाँ पर जो है मौजूद होती है, जो सिटिंग पोजीशन में यहाँ पर हेल्प करती है, तो इसको जो है यहाँ पर स्ट्रियम कहा जाएगा। तो पेल्विक गर्डल पीछे शुरू होता है और आगे यहाँ पर जो होता है हमारे फ्रंट साइड पर, यहाँ पर जो दो बोन आपस में मिले हुए होते हैं उसको प्यूबिस कहते हैं। तो पीछे से शुरू होकर आगे के हिस्से में यहां पर आते हैं, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे एब्डोमेन के अंदर जो भी हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट है वो सब के सब इसी के अंदर जो है यहां पर रखा हुआ होता है। तो यहां पर पेल्विक गर्डल के अंदर इलियम, स्ट्रियम और प्यूबिस, ये तीन बोन आपस में यहाँ पर मिले हुए होते हैं, ज्वाइंट यहाँ पर होते हैं, जिसके अंदर ये दोनों बोन तो फिक्स हैं, लेकिन प्यूबिस बोन यहाँ पर दो बोन पाए जाते हैं, दोनों बोन के दरमियान में यहाँ पर कार्टिलेज की एक लेयर होती है, और वो कार्टिलेज की वजह से स्लाइट मूवमेंट यहाँ पर होता है, यानी दो बोन के दरमियान ज्वाइंट है, जिसको स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट कहेंगे या कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहा जाता है। तो इंसान जब रनिंग कर रहा है, चलना फिरना, उस दौरान में यहाँ पर जो थोड़ा बहुत मोमेंट होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जब प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है, उस वक्त आगे से बच्चे को संभालना, सपोर्ट के लिए ये प्यूबिस बोन जो है वहां पर जो इस्तेमाल होती है, इस तरीके से यहां पर देखना है। अब यहाँ पर इलियम और स्ट्रियम का जो जंक्शन यहाँ पर होता है, वहाँ पर भी एक कैविटी पाई जाती है, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बताया है ग्लेनॉइड कैविटी है, यहाँ पर भी बैक साइड में कैविटी है जिसको कहा जाता है एसीटाबुलम, जिसके अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और यही एसीटाबुलम से हमारे पैर की जो बोन होती है यहीं से जो यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं। ग्लेनॉइड कैविटी आर्टिकुलेशन ऑफ द फोर लिम, एसीटाबुलम दैट इज आर्टिकुलेशन विद द हाइंड लिम, हाइंड लिम इसी से जो यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, यहां पर भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फ्री मूवमेंट होता है, और पैर के अंदर भी यहां पर फ्री मूवमेंट होता है, हाईली मूवेबल ज्वाइंट है, ये भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इसको जो है यहां पर कहा जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर जो है एसीटाबुलम दैट इज यूज्ड फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ द हाइंड लिम। पीछे के हिस्से में दोनों तरफ यहां पर जो है पोर होता है, सुराख यहां पर पाया जाता है, ये जो सुराख यहां पर बैक साइड में यहां पर जो मौजूद होता है उसको कहा जाता है ऑब्चूरेटर फोरामेन, उसको कहा जाएगा दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ऑब्चूरेटर फोरामेन कहा जाएगा। दोनों तरफ ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पर पोर होता है, जिसके जरिए से मसल का अटैचमेंट यहाँ पर पाया जाता है, जिसको ऑब्चूरेटर फोरामेन कहा जाएगा। इस तरीके से ये आपके सामने जो यहाँ पर ये पेल्विक गर्डल जो है वो आपके सामने यहाँ पर जो है मौजूद है। अब इसके बाद जो है हाइंड लिम, हमारे पैर इसी से जुड़े हुए होते हैं, तो हमें देखना है बोन्स ऑफ हाइंड लिम, हाइंड लिम बोन्स यहाँ पर देखना है। पैर के अंदर एक सिंगल हाइंड लिम के अंदर भी 30 बोन, जैसे एक हाथ के अंदर 30 बोन है, पैर के अंदर भी यहाँ पर जो है 30 बोन्स यहाँ पर जो है पाए जाते हैं, वैसे ही कंडीशन यहाँ पर भी मौजूद होती है। अब उसके बाद यहाँ पर फीमर, ऊपर के हिस्से में एक सिंगल बोन है, जैसे यहाँ पर सिंगल बोन है वैसे यहाँ पर भी बोन है, यहाँ पर ये जो रहेगा इसका नंबर रहेगा यहाँ पर 1, तो उसको कहा जाता है फीमर। ये थाय रीजन में, जिसको रान का हिस्सा कहते हैं, जांग का हिस्सा कहा जाता है, ये फीमर सिंगल है। और याद रखना है फीमर हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कह रहा हूँ, लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे लंबी बोन जो होती है, सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर है। फिर उसके बाद पटेला बोन है, नी कैप उसको कहेंगे, घुटने के ऊपर यहाँ पर जो एक छोटी हड्डी जो यहाँ पर जो मूवमेंट करती है, कटोरी के जैसा हिस्सा यहाँ पर मौजूद होता है,
है वो एक सिंगल बोन यहाँ पर पाई जाती है, ये भी सिंगल यहाँ पर है, उसको पटेला बोन कहते हैं, जो नी जॉइंट के ऊपर घुटने की हड्डी के ऊपर यहाँ पर मौजूद होती है। फिर हाथ के दरमियानी हिस्से में जैसे हमने देखा रेडियस और अल्ना है, तो हमारे पिंडली के हिस्से में जिसको शैंक रीजन कहेंगे यहाँ पर भी दो बोन है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, जिसको टिबिया और फिब्यूला कहा जाएगा, दोनों एक एक हैं, दो बोन यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हाथ के अंदर जैसे मैंने रिस्ट जॉइंट बताया है 8 बोन यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसी तरीके से पैर का जो टखना है उसको एंकल जॉइंट कहा जाएगा, यहाँ की बोन हम कहते हैं कार्पल्स, पैर के अंदर जो टखने के अंदर जो उसको टार्सल्स कहेंगे। यहाँ पर 8 बोन थी लेकिन यहाँ पर जो है 7 बोन यहाँ पर जो है पाए जाते हैं, 7 बोन यहाँ पर जो है मौजूद हो टार्सल्स हैं। फिर उसके बाद पैर का जो तल्ला है उसको फूट कहा जाता है, 5 उंगलियाँ पैर के अंदर हैं और वहाँ पर जो है 5 बोन यहाँ पर फूट के अंदर पाई जाती है, उसको कहा जाता है मेटा टार्सल। यहाँ पर मेटा कार्पल था पैर के अंदर, जो पैर का जो तल्ला है, पैर की जो लंबाई है, वहाँ पर 5 बोन्स 5ों के 5ों एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि हाथ के अंदर अंगूठा अपोसेबल है, अपोजिट साइड में है, लेकिन पैर की उंगलियाँ सब के सब एक सीध में होती हैं, तो 5 मेटा टार्सल्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर उसके बाद पैर की उंगलियाँ यहाँ पर जो होते हैं उनको टोस कहा जाता है, और इसके अंदर भी यहाँ पर 20 बोन्स आर प्रेजेंट इन द फैलेंजेस इन द टोज। पैर के अंगूठे के अंदर भी 2 बोन है और बाकी हर उंगलियों के अंदर 3-3 बोन पाए जाते हैं। तो यहां पर आप देखोगे ये सब का भी टोटल अगर आप यहां पर करते हो तो ये भी आ जाता है यहां पर 30। तो एक पैर के अंदर भी 30 बोन है, दूसरे पैर के अंदर भी 30 बोन है, तो फोर लिम और हाइंड लिम मिलाकर 60+60 120 बोन्स यहां पर जो है पाए जाते हैं। तो ये आपके सामने अभी है, यहां पर पेल्विक गर्डल हिप गर्डल है और ये इंट्रोडक्टरी पार्ट यहां पर जो हाइंड लिम के ताल्लुक से मैंने बताया है। अब एक एक बोन की डिटेल हमें यहां पर देखना है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर उसको मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, स्क्रीनशॉट ले लो आप।